वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, जिसको हम सीमैट कहते हैं। उसमें जगह निकली जो हैदराबाद में है, जो प्रोजेक्ट आया है तो उसके अंडर में कुछ टेम्पररी जगह निकली है। जो प्रोजेक्ट मई 2022 मतलब यहाँ से 11 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक ये आपकी रिक्रूटमेंट रहेगी। ओके, तकरीबन 11 मंथ्स। इसके जो अलग अलग पोजिशन के लिए जगह निकली है वो आपको मैं बता देता हूँ। सीनियर इंचार्ज के लिए जगह निकली दो पोजीशन। बीबीटेक अगर आपका केमिकल में है, मैकेनिकल में है, मेटालर्जी में है, और प्लस आपका 4 इयर्स इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, तो आपको 30,000 प्लस एचआरए मिलेगा। और 24% एचआरए है। ओके, शिफ्ट इंचार्ज की पोस्ट के लिए बीबीटेक केमिकल मेटालर्जी मैकेनिकल 2 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर आपका अगर डिप्लोमा है उन्हीं ब्रांच में तो 4 साल का एक्सपीरियंस, 25,000 प्लस एचआरए। उसके बाद में जो प्रोजेक्ट स्टाफ है सीनियर, ओके, ऑपरेटर ग्रेड 1 में आता है वो, उसके लिए है बीबीटेक मेटलर्जी केमिकल मैकेनिकल 2 ईयर एक्सपीरियंस, और आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका डिप्लोमा है विद 2 ईयर्स इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। अगर आपका बीएससी केमिस्ट्री है तो भी आप 2 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो, 80,000 प्लस एचआरए। जूनियर प्रोजेक्ट स्टाफ जो जिसको ग्रेड 2 के अंदर आता है, तो वहाँ पे डिप्लोमा अगर आपका उन्हीं ब्रांच में मैकेनिकल मेटालर्जी और केमिकल में विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस और बीएससी केमिस्ट्री, देन यस। अगर एससी मतलब 10+2 पीसीएम विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है आपका, तो भी आप एलिजिबल हो जूनियर प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए। बाद में हेल्पर के लिए 10th पास चाहिए, 13,000 प्लस एचआरए। सीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर जिनका बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंटेशन में है या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, और 4 साल का आपका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, वहाँ पे एक वैकेंसी है, 30,000 प्लस 24% एचआरए। बाद में जो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है उसके लिए भी जगह है, जिसको हम जूनियर कह सकते हैं, तो यहाँ पे भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और बीबीटेक आपका उसी ब्रांच में चाहिए। 25,000 तक आपको एचआरए प्लस मिलेगा। इंस्ट्रूमेंटेशन जो स्टाफ है अगर आपका उससे कम एक्सपीरियंस, तो आप बीबीटेक या फिर आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन में और आप फ्रेशर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, प्लस आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाद में जूनियर इंजीनियर जो है इलेक्ट्रिकल, उसमें भी डिप्लोमा है, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आईटीआई 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है, आप पीडीएफ में देख लेना। बाद में इलेक्ट्रिशियन जैसे आईटीआई अगर आपका है तो आप अप्लाई करो। एनालिस्ट उसके लिए भी आपका अगर एमएससी है बीएससी है 2 या 4 साल का एक्सपीरियंस आप अप्लाई करो। बाद में जूनियर ऑफिस स्टाफ जो है वहाँ पे आपका अगर ग्रेजुएशन है और 2 साल का आपका ऑफिस एक्सपीरियंस, जैसे एमएस ऑफिस में है या फिर पावर पॉइंट एक्सेल या कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए बेसिकली, तो इसमें आपका ये बहुत सारी वैकेंसीज निकली। हाँ, नंबर ऑफ पोस्ट कम है लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट का फायदा भी होता है, सेंट्रली फंडेड है। उसके बाद में जो उन्होंने बता दिया है कि मई 2022 तक हो सकता है एंड विल बी एक्सटेंडेबल फॉर फर्दर पीरियड सब्जेक्ट टू एक्सटेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट। यस, अगर प्रोजेक्ट वहाँ तक कंप्लीट नहीं होता है तो आपको एक ऑफिशियल वहाँ पे आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। ओके, नया ऑर्डर मिलेगा अगर एक्सटेंड होता है तो। और एक चीज़, नंबर ऑफ पोस्ट वो इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है क्योंकि अभी अभी वो उनका ये जो नया प्रोजेक्ट है उसके लिए रिक्रूटमेंट निकला है। उसके बाद में यस, एज लिमिट जो 1, 2, 3 मतलब अगर 5th और 12th वाली पोस्ट को अगर आप छोड़ दिए, बाकी सबके लिए 35 ईयर्स है, और 5th और 12th जो पोस्ट है उसके लिए आपका है 32 साल का आपका एज चाहिए। हेल्पर और जूनियर ऑफिस स्टाफ जो है उसके लिए आपका 32 है, बाकी सबके लिए 35 है। बाद में उन्होंने और एक चीज़ अच्छे से बता दी है कि द प्लांट विल बी ऑपरेटेड इन 3 शिफ्ट। ओके, 6 डेज अ वीक, 6 दिन का वीक रहेगा बेसिस। ओके, सिर्फ 11 नंबर और 12 नंबर की छोड़िए पोस्ट तो। ओके, द वर्किंग आवर्स विल बी 6 डे अ वीक पर रिलेवेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे भी उनके नॉर्म्स है उसके हिसाब से। बाद में जो द फॉलोइंग पोस्ट कैन बी अल्टरनेटली डिजाइनेड, यस, रीडिजाइनेड एज फॉलोड। ओके, तो जो सीनियर इंचार्ज है मतलब चीफ सुपरवाइजर, शिफ्ट इंचार्ज, सुपरवाइजर, बाद में ऑपरेटर ग्रेड 1 सीनियर ऑपरेटर, और जो ऑपरेटर ग्रेड 2 वो जूनियर ऑपरेटर, तो उस हिसाब से है। बाकी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप डाउनलोड कर सकते हो, इसमें भी है वो, यही नोटिफिकेशन में भी आपको नीचे मिल जाएगा। कैसे भेजना है आपको, ड्यूली फिल्ड विद कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, आपको ऑफलाइन भेजना है, तो आपको सारे सर्टिफिकेट्स की कॉपीज लगेंगी, सारे की सारी जो भी आपकी रिगार्डिंग है। मेनली आपका जो है वो है
इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट, और अगर कोई कास्ट वगैरह आया है कुछ है तो उसका, या फिर डेट ऑफ बर्थ का, क्योंकि वो भी मैटर करता है। तो ये सारे सर्टिफिकेट लगाने पड़ेंगे और आपको भेजना है डायरेक्टर सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, जो आता है फेज 3 में, वो है हैदराबाद में, क्योंकि आपको वहाँ तक भेजना है। और लास्ट डेट 14/7 है, मतलब अभी भी आपके पास लगभग देखे जाए तो 20 से 21 दिन है। और आपको ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट फॉर प्रोजेक्ट स्टाफ TS, जो उनका कोड है वो प्रोजेक्ट के लिए दिया हुआ। ओके, तो ये सारी चीज़ें बाद में जो यस कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ क्या है, कैसे इंक्वायरी करना है। उसके बाद में जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, वो है इस तरह से, फोटो लगानी है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने हिसाब से भरनी है, 10 12 जो भी आपकी मार्किंग होगी, एक्सपीरियंस रेफरेंसेस भी आप डाल सकते हो, अगर आप कहीं काम किए हो, प्रोजेक्ट पे कुछ किए हो तो आप वो डाल सकते हैं। बाद में जो भी आप, इसके साथ आपको एक चीज़ करनी कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच्ड करने, वो भी सेल्फ अटेस्टेड। ओके, याद रखो सेल्फ अटेस्टेड। तो ये फॉर्म भी आपको, ये पूरा PDF प्लस उसके नीचे ही जो लास्ट के 2 पेज है वो फॉर्म के, वो PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा इसी वीडियो के। अगर कोई क्वेरी है किसी की, किसी भी पोस्ट या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, या फॉर्म के रिगार्डिंग, या अदर एनी रिक्रूटमेंट इज यस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, तो यस सब्सक्राइब करो। ओके, और शेयर करो, लाइक करो, और नए जो नोटिफिकेशंस आएंगे जैसे ही आएंगे आपको ये चैनल पे मिल जाएंगे तुरंत ही, और उसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू भी मिल जाएगा और PDF या फिर ऑनलाइन लिंक भी मिल जाएगा। तो इसको शेयर करो जो जो लोग एलिजिबल है, और ऑल द बेस्ट। बाकी फॉर्म तो ऑफलाइन ही भरना ही है। ओके, सो ऑल द बेस्ट।